उत्तराखंड के बागेश्वर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए आज सुबह 7 बजे से वोट डाले जा रहे हैं। मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं बीते दिन से लगातार भारी बारिश हो रही है, इसके बावजूद भारी संख्या में लोग मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मतदान अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी के साथ ही आपको जानकारी दे दें कि जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में बागेश्वर में मतदान किया और इस दौरान आयुक्त दीपक रावत और आईजी नीलेश भंडे ने निर्वाचक कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया और आज मतदान के दौरान सभी जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौंध कर दी गई है और जिले की सीमा को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। वहीं दूसरी खबर, उत्तराखंड के प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व अध्यक्ष चक्राता विधायक प्रीतम सिंह को राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी में चुनाव संचालक समिति में एक बड़ी अहम जिम्मेदारी मिली है और जिस जिम्मेदारी की हम बात कर रहे हैं उस लिस्ट में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खांगड़े, सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत बेहद सीनियर और वरिष्ठ नेताओं के नाम शामिल हैं। इस खबर के सामने आने के बाद उत्तराखंड कांग्रेस में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खांगड़े के अलावा 16 राष्ट्रीय नेताओं की टीम में प्रीतम सिंह को शामिल करने के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी में खुशी की लहर है और कांग्रेस का ये निर्णय आने वाले लोकसभा चुनाव में महत्वपूर्ण साबित भी हो सकता है।